क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम्पल है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 3 and 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ये कहता है कि एक लाइन है ए बी, ए के पॉइंट्स हैं 4, -3 और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 8, 5। एक पॉइंट है सी जो इस ए बी लाइन को इंटरनली कट करता है 3:1 में। तो बताओ इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मैंने लेट कर लिए क्या, लेट द पॉइंट सी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने एक्स और वाई, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए जो कि है आपका 4, -3 एंड बी जो कि है आपका 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया। आपको इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो एक्स होता है आपका एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वाई होता है आपका एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। कैसे याद करोगे, देखो ये तो आपका रेशियो है, इसको एम कहते हो, इसको एन कह दो, ठीक है। एम और ये आपका है एक्स वन वाई वन, ये है आपका एक्स टू वाई टू। तो देखो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन वाई, ठीक है। रख दो वैल्यू, एम है आपका 3 × 8 + 1 × 4 अपॉन 3 + 1, 8 × 3 = 24 प्लस 4 / 4 28/4 यानी कि ये आया आपका 7। एक्स आ गया 7, वाई निकालो 3 × 5 + 1 × -3 अपॉन 3 + 1, 15 - 3/4 12/4 यानी कि 3, वाई आया आपका 3। यानी कि हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा सी के, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, लेट क्या था मैंने सी, क्या हुए 7 और 3। यही हमें निकालने थे। छोटा सा क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।